दिल में तुम बस गई हो, अरे तुम ही तो तुम ही हो, अरे दिल में तुम बस गई हो, अरे आखिर क्या कमी मेरे इश्क में थी जो मैं ना दे पाया तुझको। दुनिया बनाऊ ले तू ही वाह wow. वाह रे खुदाई काहे ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं इसी कथित पर पार्ट टू बना रहा हूँ। और पार्ट टू बनाने में मैं अभी साथ ले रहा हूँ हमारे असगर भाई और अफजल भाई से। ये दोनों सेम चेहरा की लोग हैं और ये जुड़वा बच्चे हैं। और इसका तबीयत भी खराब होता है तो सेम टाइम में होता है, खाना भी सेम खाते हैं, ड्रेस भी सेम पहनते हैं। अभी नहाने के लिए आए जिसके चलते जो है ये है। और इनका जो है डिग्री भी एक ही है, काम भी एक जैसा करते हैं, घर में इनका रहन सहन, कहीं भी जाते हैं दोनों एक साथ जाते हैं। हाँ, एक साथ रहते हैं। आपका अपना नाम क्या है बताइए? मेरा अपना नाम असगर खान है। हाँ, आपका अपना नाम क्या? मेरा नाम मोहम्मद अफजल खान है। इन दोनों का, इसका अफजल नाम है, इसका असगर नाम है। आप में से दोनों को किसको बढ़िया गाना आता है? अच्छा गाना, हिंदी गाना हो या देहाती गाना हो? गाना तो कोई सा भी गाना हो सब आता है। आता है जी, अपने जमान का कि दूसरा का गाया हुआ का आता है? दूसरा का नहीं, अपना जबान का भी है गाना। हाँ, तो अपना जबान का कुछ सुनाइए तो असगर भाई, अपना जबान का जो अच्छा लगे, मजा आ जाए मेरा ऑडियंस को। तो गाना है। और ये अभी हमारे ये असगर भाई जी, गाना एक आपके सामने पेश करेंगे और अफजल भाई से शेर व शायरी जो भी है पेश करवाएंगे। तो आप असगर भाई गाना मेरा अभिवर्ष को सुनाइए, एक बेहतरीन आवाज में, अपना आवाज में। मेरा खुद का गाया हुआ गाना, मेरा खुद का लिखा हुआ गाना। हाँ, तो इसको आप माइक को पकड़िए ये और नकपुरिया में है। हाँ, बट आप लोग को पसंद आएगा कि बिल्कुल नहीं पसंद आएगा? आएगा, बिल्कुल पसंद आएगा। मेरा अभिवर्ष को चाहिए नागपुरी गाना, शेर व शायरी और अशार वगैरह। आप पढ़िए नागपुरी गाना, आप गाइए। ओके, मैं पढ़ता हाँ, हूँ। जब तो आवीस लरे मोरे सामने, दिल मोर धड़के लारे तोरे नाम से। जब तो आवीस लरे मोरे सामने, दिल मोर धड़के लारे तोरे नाम से। ये तुम जान लो, यही मान लो, हम तो देहाती है पहचान लो। वाह तुम व्हाट्सएप की रानी तो मैं फेसबुक का राजा, वाह, तुम व्हाट्सएप की रानी तो मैं फेसबुक का राजा। दिल में तुम बस गई हो, अरे तुम ही तो तुम ही हो, अरे दिल में तुम बस गई हो, अरे तुम ही तो तुम ही हो, अरे तेरे ऊपर दिला, अरे लागे गलत गोया, धीरे धीरे बात तनी माय मिले। ये तुम जान लो, यही मान लो, हम तो देहाती है पहचान लो। तुम व्हाट्सएप की रानी तो मैं फेसबुक का राजा, करेगा तुम व्हाट्सएप की रानी करेगा। तो मैं फेसबुक का राजा। एहसास न के तो के इतना मोय प्यार करो ना कितना, एहसास न के तो के इतना मोय प्यार करो ना कितना, अरे कर दे मु तो के मोय पागल, चाह मोरे सनम इतना, अरे दामन ना छूटे अरे तोड़े ना टूटे, धीरे धीरे बात तनी माय ले। ये तुम जान लो, यही मान लो, हम तो देहाती है पहचान लो। तुम व्हाट्सएप की रानी तो मैं फेसबुक का राजा, तुम व्हाट्सएप की रानी तो मैं फेसबुक का राजा। बहुत क्या बेहतरीन आवाज में अपना लिखा हुआ गाना मेरा असगर भाई सुनाए आप लोगों के सामने। ये जुड़वा जरूर है, पर इन लोगों का सोच और इन लोगों का आगे का जो है फ्यूचर का प्लान, फ्यूचर प्लान इन लोगों का बहुत बड़ा है। इन लोग जो है अभी सऊदी अरब का ये लोग यात्रा करने वाले हैं और अभी तक इन लोगों का वीजा नहीं आया है, पासपोर्ट वगैरह बन चुका है, ओके,
खाली पासपोर्ट वगैरह बन जी चुका जी है। बन चुका है, वीजा आएगा उसके बाद आप लोग चल जाइए। जी जी जी, तो झारखंड को मत छोड़िए, झारखंड में आप लोग रहिएगा, झारखंड झारखंड में झारखंड वासियों को एक नया और भी पहचान मिलेगा। पहचान बहुत सारे हैं पर एक नया और पहचान मिलेगा। अगर अच्छा कमाई हो जाएगा तो उतना दूर नहीं जाएंगे, समझे? अगर भाई लोग साथ दे दिए, हमारे जितने भाई लोग हैं, दोस्त भाई लोग बहन सब जितने भी हैं, अगर वो लोग साथ दे दिए, जितने भी है यूट्यूब फैमिली का मेंबर जितने हैं, अगर इन लोग साथ देने का प्रयास करें तो आप लोग रुक जाएंगे। हाँ, रुक जाएंगे। है कि नहीं? अगर झारखंड के ड्रीम परफॉर्मेंस करके आप दिखाना चाहेंगे। जी जी जी, है कि नहीं? मैं प्रयास करूंगा, मैं अपने जितना भी है, मैं अपने दिल का जो है ना उसको मैं फॉलो करूंगा और आप लोग को जरूर मैं सुनाऊंगा। इंटरटेनमेंट करने की जी 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 इंटरटेनमेंट, और ये इंटरटेनमेंट करने की जो है इंटरटेनमेंट सब लोगों को करने की काम करेंगे। प्लीज आप लोग जो है इन लोगों के लिए कमेंट करके बताएं कि इन लोग जो है यूट्यूब में काम करने के लाइक है कि नहीं, कितना दूर तक ये लोग जो है लेके जा सकता है इस चैनल को, कितना ऊंचाई में। अब हमारे अफजल भाई जो है एक शायरी सुनाएंगे, आप शायरी सुनाइए एक दो जो है, हाथ पर पकड़िए, थोड़ा सा माइक को दूर रखिएगा और बेहतरीन आवाज आएगा, आप शायरी सुनाइए। हाँ, मैं शायरी सुना रहा हूँ, अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो कमेंट करके बताइएगा कि शायरी कैसा लगा आपको। गाइस कमेंट करके बताइएगा हमारे, तो सुनिए गाइस आप लोग मेरा शायरी को, अगर अच्छा लगेगा तो बताइएगा फिर, समझे ना? कि तेरी दामन को सजा दूंगा फूलों से, तेरी दामन को सजा दूंगा फूलों से, और तेरी मांगों को भरूंगा अपनी लहू से। तेरी दामन को सजा दूंगा फूलों से और तेरी मांगों को भरूंगा अपनी लहू से, और लहू लुहान कर दूंगा उस खानदान को जिसने हाथ लगाई तेरी मांगों को। क्या बात है, ये अच्छा आपने क्या बात। और अगर और एक शायरी सुना देते हैं। हाँ। के मिलो कभी हवेली पे। हाँ, मिलो कभी हवेली पे एक बात बताएंगे, थोड़ा रोमांटिक, थोड़ा रोमांटिक शायरी है। हाँ, हाँ, बोलिए गाइस, लोग बुरा मत मानिएगा। हाँ, हाँ, समझे ना? के मिलो कभी हवेली पे एक बात बताएंगे और काट के तेरी गाल इश्क का दाग लगाएंगे। काफी आप लगा, के घनी गजब लगती है लिपस्टिक तेरी होठ पे। हाँ। के घनी गजब लगती है लिपस्टिक तेरी होठ पे। हाँ। अगर मेरा बस का बात चलता तो तेरी तस्वीर बना देता मैं 10 की नोट पे। वाह 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 वाह, अरे ताली तो मारो, आप बोलो ये जैसी बोले आप बोले, एक आप एक ही इस तरह करके सुनाए। हाँ, सुनाए तो शायरी सुनाए। हाँ। भोजपुरिया गाना है। हाँ? जो है? दिलों की गहराइयों से जा करके वो जब बाहर निकलता है। हाँ? तो बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, दर्द बयां करती है। वाओ, तो सुना दिया जाए बेहतर, तो देखा जाए। हाँ? के दुनिया बनौ ले तू ही वाह रे खुदाई, काहे ना बनौ ले दर्द दिल के दवाई। वाह, दुनिया बनौ ले तू ही वाह रे खुदाई, काहे ना बनौ ले दर्द दिल के दवाई। सपना भइल अधूरा, सोचल भइल न पूरा, गुजरी ले दुख के दर से, बस इतने कर राम जी दिल लागे ना अब केहू और से, बस इतने कर राम जी दिल लागे ना अब केहू और से। वाह 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 वाह, क्या गाना गाया है। अरे असगर भाई को मुझे लगता है कि इनका कहीं ना कहीं तक दिल टूटा हुआ है। ये असगर भाई का मुझे लगता है कहीं ना कहीं तक जो है इनका दिल टूटा हुआ है, और ये दिल टूटा हुआ का दर्द बयां कर रहे हैं, और इसी पे जुड़ा हुआ जो है और कुछ नहीं, आपसे सुनने के लिए स्पेशल मैं कहां से चल के आया हूँ। जी जी, आप मेरे गाना सुनने के लिए आप शीशे से। हाँ, चल करके आए हुए हैं, तो मैं मेरा हक बनता है कि आपको भी कुछ पेश करें। जी 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 जी, तो मैं पेश कर रहा हूँ। अरे बच्चे,
जी जी मैं और ये हमारे कहाँ तक लोग कैच करते ये हमारे असगर भाई अभी दर्द भरे गाना से आप लोगों को जो है मनोरंजन कराए और एक दर्द भरी गाना जो है आप लोगों के सामने पेश करने वाले हैं। तो असगर भाई पेश जी, और देख सकते हैं दोनों के चेहरा तो बिल्कुल सेम है और मुझे तो लगता है कि एक मेरा दाहिना हाथ है और एक मेरा बायां हाथ है और मैं बीच में एक जिस्म की तरह बैठा हुआ और मुझे लग भी ऐसी रहा है क्योंकि बिल्कुल सेम चॉइस सेम डिग्री सेम काम और सारा इन लोगों का बिल्कुल सेम है। तबीयत तो वगैरह भी खराब होता है तो सेम होता है। आज तक हम लोग दाग नहीं है आज तक हम लोग का दाग नहीं है किसी से लड़ाई झगड़ा, हम लोग सबसे मोहब्बत से रहने जानते हैं बस। तो आप लोगों का मोहब्बत का इजाद के लिए भी पैदा हुआ है, पैदाइशी आप लोगों का मोहब्बत के इजाद के लिए। जी जी, आज तक लड़ाई भी नहीं हुआ है हम लोग का और मौत तक करेंगे भी नहीं, मौत तक करेंगे भी नहीं इंशाल्लाह। हम लोग का जो मिजाज है ना वो बराबर है, हम लोग का दोनों का एक ही है। बिल्कुल, जो हम सोचते है वो भी सोच लेते हैं। हाँ तो बिल्कुल आप लोगों का एक जैसा बिल्कुल चॉइस, सारा चीज एक जैसा है। इस्लाम का सबसे बड़ा अमल मोहब्बत है। हाँ बिल्कुल, देखा जाए तो सबसे बड़ा अमल इस्लाम का मोहब्बत है। हाँ, अगर इंसान इंसान में अगर मोहब्बत नहीं रहता तो फिर तो जानवर की गिनती आएगा, तब जानवर गिनती आएगा, जानवर की गिनती आएगा। 20 आदमी है, 200 आदमी में लड़ाई हो रहा है तो समझ जाओ उस जगह में जानवर है। और जगह इंसान के बीच में कभी लड़ाई नहीं, इंसान। आप सुना है दर्द भरी गाना, आ गया आपका जबान पे। हाँ, आप पकड़ के बिल्कुल सुना है, थोड़ा सा दूर रखिएगा माइक को, अच्छा आवाज आएगा। चेहरे की चमक जब जाएगी तब याद तुझे मेरी आएगी, चेहरे की चमक जब जाएगी तब याद तुझे मेरी आएगी। अब यार मिलेंगे लाखों पर असगर को कभी न पाओगी, दुनिया में रहू न रहू तुझे बेवफा कहूँ कि कुछ और कहूँ, तुझे बेवफा कहूँ कि कुछ और कहूँ। अरसीने में बैठाया था तुझको तू समझ न पाई क्यों मुझको, सीने में बैठाया था तुझको तू समझ न पाई क्यों मुझको, आखिर क्या कमी मेरे इश्क में थी जो मैं ना दे पाया तुझको, घुट घुट के मैं बुझूं तुझे बेवफा कहूँ कि कुछ और कहूँ, कुछ और कहूँ तुझे बेवफा कहूँ कि कुछ और कहूँ। दोस्तों खाना उना भी नहीं खाए हैं, खाना वाना भी खिलाता हूँ मैं और मैं खाता हूँ ये असगर भाई। आप लोग दोनों में से दोनों कोई गर्लफ्रेंड तो अलग अलग पटा रहे हैं ना, अभी तो लड़की लड़की चक्कर में नहीं रहते हैं। अभी भी गर्लफ्रेंड बनाना अलग अलग बनाइएगा आप भी हाँ। और एक दूसरे का चॉइस इस तरह होना चाहिए कि आप लोग का दिल और दिमाग जिस तरह मिलता है बिल्कुल सेम ऐसे ही मिला के रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल है कि नहीं जी जी। और उन लोगों का आप लोगों का एक अलग पहचान बता दीजिएगा कि मेरा यहाँ दाग है और इनका दाग नहीं है, वरना वो लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है कि अगर वो भी किसी लड़की से अगर प्यार कर रहा ना है तो उसका बीबी को भी हम उतना ही इज्जत देंगे वो जितना मेरा बीबी को इज्जत देता है। आपका आला सोच भी है, क्या बात कही आपने, आपका भी सोच सही है, वही है मेरा सोच, क्योंकि हम लोग हर तरीके से जानते हैं कि इज्जत किसको कैसा देना है, क्योंकि हर ऊपर वाला हर एक इंसान में अलग अलग मोहब्बत डाला है, अलग अलग मोहब्बत, अलग अलग कोई संदेह की बात नहीं। हाँ, क्योंकि आप देखिएगा तो बच्चा का मोहब्बत अलग रहता है, बीबी का मोहब्बत अलग रहता है और अपना भतीजा का मोहब्बत अलग रहता है, चाचा लोग का मोहब्बत अलग, सबका अल्लाह पाक अलग 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 ऊपर वाला मोहब्बत। आप कुछ शेर व शायरी सुनाए अफजल भाई। शायरी क्या सुनाए हम, शायरी तो यही कहेंगे कि शायरी तो मैं यही कहूंगा कि जैसे ये तीर जो बेहतर तेरी कुमान पे है, अरे वाह, चला दो तीर। हम लोग का यहाँ पे डैम भी है, समझ सकते हैं आप लोग
कि हाँ। चला दो तीर जो बेहतर तेरी कुमान पे है हाँ। और किसी की नजर की जादू तेरी जुबा पे है। वाओ वाओ, किसी की नजर की जादू तेरी जुबा पे है। कि तिश नगी जम गई पत्थर की तरह होठों पर हाँ। अरे तिश नगी जम गई पत्थर की तरह होठों पर, डूब गया हूँ दरिया पे फिर भी प्यासा आ रहा है मुझे। अरे वाह वाह वाह, दरिया पे फिर भी प्यासा आ रहा है। वाह वाह वाह, क्या शायरी सुनाया मेरा असगर भाई, और दर्द भरा शायरी। आप भी कुछ सुनाइए। मैं सुनाएगा लेकिन अभी मेरे को जहन में नहीं, अभी जहन में नहीं आ रहा है। सारा आपका जहन यहाँ आया हुआ है तो वहाँ कहाँ से आएगा? सारा जहन अभी आप में आया हुआ है, इनका भी और आपका भी खुद का। आप अपना लिखा हुआ गाना अभी दो तीन सुनाए हैं तो गाना 24 घंटा अच्छा होता है कि आप गुनगुनाते रहते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं गाता रहता हूँ। तो वादियों को लेके, हवाओं को लेके, या तो मौसम को लेके, या घर वगैरह का सबका मोहब्बत को लेके कुछ ऐसा गाना एक आध बनाया है क्या? नहीं बनाएंगे, बनाया हुआ है बट मैं थोड़ा डायरी पे रखा हूँ। अगर वैसा अगर आप लोग अगर बोलेंगे, अगर हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं हाँ? वो कमेंट में अगर बोलेंगे तो जरूर मैं सुनाऊंगा। जी जी जी, अगर आप लोगों को लगता है कि ये मेरा अफजल और असगर से दोबारा मिला जाए और इन लोगों से कुछ भी आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करके आप बताइएगा, मैं इन लोगों के साथ जो है आके बेहतरीन एक और मीटिंग करूंगा और बेहतरीन से बेहतरीन आवाज आप लोगों के सामने पेश करने की प्रयास करूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे असगर भाई। और अभी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को इन लोगों का दूसरा पार्ट बनाने के लिए मैं जा रहा हूँ। अभी फर्स्ट पार्ट जो है इन लोगों का भी यही रहे, और जो है फर्स्ट पार्ट इन लोगों के साथ बना लिया हूँ। अगर साथ दे दीजिएगा आप लोग, हमारे जो देख रहे हैं वो लोग अगर बोले कि इनके साथ रहने के लिए तो हम लोग जिंदगी भर इन्हीं के साथ रहेंगे। और मैं भी चाहता हूँ कि ये दो भाई को मैं जिंदगी भर अपना साथ लेके चलूँ, मैं अपना टीम में इन लोगों को शामिल करूँ। और कोशिश करता हूँ कि अभी इन लोगों का नेक्स्ट पार्ट बना के आप लोगों के सामने पेश करने का। कमेंट पर करके बताइएगा गाइज कि किस तरह जो है इनका परफॉर्म रहा और किस तरह जो है इन लोगों का शुरुआत रहा। आप जो है इसको जरूर कमेंट करके बताने का प्रयास कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस।